सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, फिर बेल आइकन को दबाइए, लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो ऑनलाइन कॉलेज के ऊपर में है कि ये ऑनलाइन कॉलेजेस क्या होता है, कैसे ये ट्रेडिशनल कॉलेज से ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और टेक्नोलॉजी हमारे स्टडी में मतलब रोज़ दिन कैसे ये एंट्री कर रहे हैं और कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऑनलाइन कॉलेजेस के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में ज़रूर पढ़ा होगा। ऑनलाइन कॉलेज का सीधा मतलब है कि एक वैसा कॉलेज जहां ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब यहां ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉलेज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग जनरली स्कूल में जैसे स्कूल जाते थे, एक प्रोफेसर होते थे या फिर एक टीचर होते थे, वहाँ पे हमें बैठकर लेक्चर देते थे, हम लोग सुनते थे और कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम लोग घर पे आ जाते थे। ऑनलाइन कॉलेजेस में भी वही काम होता है, लेकिन हमें वहाँ जाना नहीं होता है, सिर्फ घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन से इंटरनेट से कनेक्टिविटी करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ से जो लेक्चर देने वाले प्रोफेसर होते हैं या फिर कोई टीचर होते हैं, वहाँ से बैठ के हम लोग को बताते हैं। देखिए इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, काफ़ी सारे घाटे भी हैं। हम लोग फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ऑनलाइन कॉलेज एज ए रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि क्लास 1 से 10 तक की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो ऑनलाइन के बेस पे आप चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोग जनरली 7-8 घंटे का स्कूल करते हैं या फिर कॉलेज करते हैं, तो आप चाहेंगे कि पूरा का पूरा हम पढ़ाई ऑनलाइन में ही कर ले। देखिए करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ बेसिकली उनके लिए ही पॉसिबल है जो बेसिकली जॉब करते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद एक जॉब करता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर मैं ऑनलाइन कोर्स करूँगा तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। मान लीजिए कि कोई दिल्ली में या फिर कोई मुंबई में किसी हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स हो रहा है या फिर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हो रहा है या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग की कोर्स हो रही है, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग हो रही है वगैरह वगैरह, कुछ आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप कोर्स हो रहा है। अब यहाँ पर हमें वो कोर्स करना है और हम रहते हैं करीब 2000-3000 किलोमीटर किसी मेघालय शहर या फिर कोई छोटे से ऐसे गांव में, ऐसे जगह पे जहां इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक ठीक मिल पा रही है, बहुत हाई स्पीड भी नहीं मिल पा रही है। अब वहां पे ना मुझे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। रॉ मटेरियल का मतलब यहां पे ये होगा कि अच्छे टीचर्स नहीं अवेलेबल, अच्छे क्वालिटी के स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। यहां पे हम अगर पढ़ाई करके इन्फॉर्मेशन लाना चाहें और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लाना चाहें तो यहां टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। अब जैसे कि अगर मुंबई में कोई एक्सपर्ट टीचर वहां या फिर कोई प्रोफेसर वहां से मुझे कुछ लेक्चर दे रहा है, तो वो अगर मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए कि शाम 7 बजे से 8 बजे तक वो एक लेक्चर देगा, मुझे वहाँ पे उनको सुनना है, डील करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अभी एक टाइम में यहाँ जॉब छोड़ूँ और दूसरे टाइम में वहाँ पे जाके उसको क्लास अटेंड करूँ। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो कॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑनलाइन जो कोर्स है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए टाइम का सेविंग हो जाता है, मनी का सेविंग हो जाता है। अब एक टाइम में आप मेघालय या फिर किसी भी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर का मान लीजिए जर्नी है तो ये कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? आप जम्मू कश्मीर में जॉब कर रहे हैं और कन्याकुमारी में कुछ आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेना है तो कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन कॉलेजेस के थ्रू ही पॉसिबल है। हालांकि इंडिया में कुछ कॉलेजेस हैं जो MBA MCA या फिर और भी कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन कराती हैं, खैर हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जनरली अब देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे अब आपके स्टडी में घुस रही है और निश्चित रूप से ये बेटर रिजल्ट ही लेके आएगी। ऑनलाइन नोट्स मटेरियल्स अवेलेबल है, जैसे PDF आप पढ़ते हैं, ई PDF की कोई भी बुक्स आती है तो वो क्या होता है, आप अपने टेक्स्ट बुक होती है तो एक तो होता है मार्केट से खरीद लीजिए, एक होता है कि PDF, तो सिर्फ एक छोटे से पेन ड्राइव में आप कितने हज़ार किताब को आप उसमें रख सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो आप मोटा सा किताब लेके कहीं भी जाएंगे तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। तो ऑनलाइन के और भी काफ़ी सारे फायदे हैं। ऑनलाइन पे अगर हम बात किया जाए तो मतलब एक घंटे भी आपको हम वीडियोज़ में बताएं तो वो भी कम होगा, लेकिन बेसिकली यही जान लीजिए कि फ्यूचर का स्टडी ऑनलाइन कॉलेजेस ऑनलाइन स्कूल्स यही अब होने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है ट्रेडिशनल वाले में कि कोई प्रोफेसर एक लेक्चर अच्छा सा दिया, आप सुने सुने कभी कभी माइंड स्लिप कर जाता है, दिमाग से निकल जाता है, लेकिन ऑनलाइन वाले में आपके पास एक रिकॉर्डेड चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड आपके PC या लैपटॉप में सेव होता है। जब कभी आप भूलते हैं तो उसको फिर से उस लेक्चर को सुनते हैं तो आपको फ्रेश हो जाता है कि वो क्या बताया गया थे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि ये ऑनलाइन कॉलेजेस के बारे में मैं जो वीडियोस बनाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग भी यंग हैं और
कहीं ना कहीं आगे कॉलेजेस में स्कूल में एडमिशन कराना चाह के लिए सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे एक ऑनलाइन जो कॉलेजेस है वो एज ए फुल टाइम नहीं, एज ए पार्ट टाइम अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो बहुत ही बेहतरीन आपके सामने ये होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।